लेकिन संपर्क नहीं। देव को इंट्रोड्यूस किया गया है। स्लोअर गेंद प्लान के मुताबिक लेकिन पहुंचेगी नहीं। आप देख सकते थे बल्लेबाज को ललचा रहे थे। हाल ही में प्रिंस ने बल्ला भी बदला है क्योंकि अब उन तक पहुंच चुकी है। बाकी बड़े शॉट्स लगाने होंगे, लय प्राप्त करनी होगी तेलुगु वॉरियर्स के। मात्र 69 हैं अभी बोर्ड पर। ऐसी बैटिंग लाइनअप जिसमें अगर किसी को भी आप टेल एंडर कहें तो वो शर्मा जाए, क्यों ना रघु हो या अय्यप्पा हो, सभी बल्लेबाजी करते हैं। तो जब ऐसे बल्लेबाज भी इंतजार कर रहे हैं अपने मौके की, तो लगाइए बड़े शॉट्स। कोशिश जारी, वहां पर फिर से बल्ला थोड़ा तेज घूमा, पहले घूमा, गेंद आई बाद में चाय पीकर। थमन अपना लैक होते हुए वो शायद अपने हेलमेट को भी उतार रहे हैं। उन्हें कब बिना हेलमेट के खेलूंगा। 8-3 रिप्ले में एक नजर डालते हैं। भले जानते हो कि स्लोअर डिलीवरी होने वाली है, दिक्कत कहां, कितनी स्लो होगी। अरे वहां पर इनसाइड एज, अपील जरूर की थी वहां देव ने, उनके हेलमेट उतारने पर ये दहाड़। अब क्या बल्लेबाज होने के नाते गेंदबाज के विश्वास को भी उतारेंगे। यहां पर ये बड़ा शॉट आ चुका है, कड़क शॉट आ चुका है, बेहतरीन फील्डिंग, काफी तेज उन्होंने राइट में बहुत ज्यादा ग्राउंड कवर किया था। आज फील्डिंग अच्छी रही है वहां पर पंजाब दे शेर की। कैचेस लपके गए हैं, थोड़ी सी जगलिंग हुई थी लेकिन विश्वास में कोई कमी नहीं। 8-3 रिप्ले में एक नजर डाल लेते हैं। फिर से स्लोअर गेंद आउटसाइड ऑफ रखा था, नहीं आ रही है गेंद बल्ले पे। लगता है स्लोअर डिलीवरी ही है आज का सूत्र, स्लोअर डिलीवरी कराएं। अखिल अकनेनी कप्तान वहां पर कहते हुए कि बस एक शॉट की बात है, ले आ जाएगी। एक शॉट की बात जरूर है लेकिन 8 गेंदे ही शेष हैं पहले इनिंग्स की। तेलुगु वॉरियर्स एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचना चाहेगी। इसमें संपर्क ठीक नहीं, कैच हो सकता है और उन्होंने किया मिसजज। 4 रन मिलेंगे, इसमें दूरी कभी भी नहीं थी, मिसजज होती हुई और शायद यही समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये कैच में हो सकती थी तब्दील, बाहर आके खेला जरूर था वहां पर मनोज जी, लेकिन अगर बाउंड्री अवेयरनेस थोड़ी सी और होती तो दक्ष उसे कैच में तब्दील कर देते। सचिन जोशी जी अपना इंतजार कर रहे हैं मौके का। आखिरी गेंद, फिर से स्लोअर डिलीवरी, नहीं आई बल्ले पर, लेकिन फिर चौके तक तो पहुंच ही जाएगी पार्ले। हैप्पी हैप्पी चौके के साथ करेंगे 9th ओवर की समाप्ति। मच नीडेड बाउंड्री यहां तेलुगु वॉरियर्स के लिए, 79 for 4। बॉल को पार इस ग्राउंड से। चिन्नस्वामी स्टेडियम में बल्लेबाजी करना उन्हें बहुत पसंद है। 8-3 रिप्ले पे एक नजर फिर से, बैल लगाने की कोशिश थी दक्ष की, ये डेंजरस मामला हो सकता था, जोखिम भरा मामला है वो जब आप पैर लगाते हैं ऐसे। स्लोअर गेंद थी इंतजार उसकी और लंबा चढ़ा है इसको पार्ले। हैप्पी हैप्पी 6। ये प्रिंस नहीं है, ये तमन है जिन्होंने आज दिखा दिया दर्शकों को। यदि आप मुझे एक संगीतकार के रूप में प्रेम कर सकते हैं तो एक बल्लेबाज के रूप में मुझे आपका प्रेम चाहिए। और निश्चित रूप से हर चौके हर छक्के पर भरपूर सहयोग मिल रहा है। और ये डगआउट देखें आप, यहाँ भी पूरा समर्थन मिलता हुआ उनको। 29 पर पहुंच गए मात्र 15 गेंदों में। अभी 3 गेंदें आनी बाकी हैं। दक्ष जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, किफ़ायती थे, 10 रन 11 रन अभी तक इस ओवर में दे चुके हैं। लीजिए फिर से सीधे बल्ले से, इस बार ताकत से लगाया शॉट, पीछे फील्डर मौजूद हैं। पहला रन तेजी पूरा किया, क्या दूसरा रन, जी हाँ दूसरा रन भी ले लिया। उन्होंने दिखाया कि मैं दौड़ भी सकता हूँ, तेज गति से रन बना सकता हूँ। और प्रिंस को उन्होंने थम्स अप किया है, वेल डन प्रिंस, क्योंकि जानते हैं गेंदों में उनको रनों की जरूरत है। 3 अंकों में कोशिश रहेगी स्कोर पहुंच जाए, जिसका कि एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है।
47 पर चार थे जब प्रिंस और तमन जुड़े थे बीच में। अब देखिए स्कोर को 92 पर चार, क्या साझेदारी रही है ये। कड़क शॉट है, यहां पर एक रन मिलेंगे लेकिन एक ही रन, या दूसरे के लिए दौड़ पड़ेंगे। नहीं, दूसरे के लिए क्यों है दौड़ना जब मिल जाएंगे पूरे के पूरे चार। मिस फील्ड वहां पर तमन खुश और पाले हैप्पी हैप्पी चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 96 तक। 8-3 रीप्ले। वाइड ऑफ द क्रीज आए थे, तमन ने पूरी जान झोंक दी थी इस शॉट पर, ये पकड़ना चाहिए था। अक्सर गलती करते हुए नजर नहीं आते राजीव ऋषि, बेहतरीन फील्डर्स में से एक माने जाते हैं। खुशी की लहर उस खेमे में। आखिरी गेंद पहले इनिंग्स की तेलुगु वॉरियर्स के लिए, क्या पलटवार रही है ये। मनोज जी क्या पहुंच पाएंगे सेंचुरी तक, ये पहुंचेंगे तभी अगर गेंद पहले पहुंचेगी उन तक। ये पहले ही छोड़ चुके थे इस गेंद को, छिटक गई उनके हाथ से। अक्सर हमने देखा है इसी मैदान पे एबी डिविलियर्स ने जब ऐसी गेंद कराई थी तो फिर वो बल्ले बतौर बल्लेबाज आके उन्होंने बहुत बड़ा शॉट जड़ा था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये नॉन स्ट्राइकर को करा बैठे थे। दक्ष के हाथ से छिटक गई थी गेंद, स्लोअर डिलीवरी कराने की कोशिश थी लेकिन शायद दूसरे छोर पर नहीं आया बैट पे। लेकिन दो रन दौड़ने की क्या कोशिश करेंगे क्योंकि आखिरी गेंद है। प्रिंस ने पूरी कोशिश की है थ्रो, लेकिन दूसरे एंड पर तमन क्या पहुंच पाएंगे वक्त पर। थर्ड अंपायर की डिसीजन, क्या कहना चाहते हैं थर्ड अंपायर, अब उन पर निर्भर है कि एक और अतिरिक्त रन जुड़ पाएगा या नहीं तेलुगु वॉरियर्स के।